वॉइस ऑफ कराची न्यूज HD। रियासत को अपना हक अदा करना होगा। ये किसी की जागीर नहीं है कि वो किसी सीट पे बैठकर अपनी हुक्मरानी चलाए। बासठ से ज्यादा लोगों को यहाँ कराची में शहीद कर दिया गया अभी इस साल के अंदर, बाकी तो हजारों लोग तो पहले ही मारे शहीद हो चुके हैं। कराची प्रेस क्लब में सोच कराची के प्लेटफार्म से गुज़िश्ता साल कराची में तकरीबन 60 से ज्यादा शहरी को स्टेट क्राइम की नजर कर दिया गया और हजारों शहरी जख्मी हो गए। पिछले 20 सालों के दौरान पुलिस में सारी भर्तियां, सारे तबादले, सारी तरक्कियां सब लसानी बुनियादों पर और सियासी प्लेटफॉर्मों से किए गए हैं, उसको ख़त्म होना चाहिए। और मुकामी जब तक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगी, जब तक मुकामी पुलिस नहीं होगी, मुकामी ऑफिसर्स नहीं होंगे, इस मसले का मुकम्मल हल नहीं निकलेगा। स्टेट क्राइम की बढ़ती हुई वारदात के पेश नज़र एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहरीके इंसाफ के अशरफ जब्बार कुरैशी ने सदारत की। बहुत सारी तंजीमें इस तरह की बनी हुई हैं और उनके पीछे हमेशा कोई सियासी मकासद रहे, लेकिन ये हम जो पहली है तंजीम हम जो यहाँ पे आज बना रहे हैं, इंशाल्लाह ताला हम लोग जितने भी लोग हमारे साथ शामिल होंगे, मैं आपसे भी कहता हूँ आप भी हमारे साथ शामिल हों और ये साफियों को भी हमारे साथ आज यहाँ पे प्रेस क्लब के नुमाइंदों को भी हमारे साथ बैठना चाहिए था और हमारे साथ शामिल हों ताकि एक आवाज़ बने, एक तरह का लाइमल बनाए और ये इसको जदोजहद को जारी रखा जाए जब तक ये शहर अपने असल स्ट्रक्चर के ऊपर वापस ना आ जाए। तो मैं आप लोगों के साथ जो है आपसे भी ये कहता हूँ कि आप हमारे साथ खड़े हो। असल में सच्चे के डाकू जो मामला चल रहा है पिछले 3 महीने से, वो क्यों नहीं रोका गया? कराची में जिस तरीके से अपनी औलाद के सामने अपने वालिद को जिस तरीके से गोलियों से छलनी किया गया और वो चीखते चिल्लाते पुलिस और दीगर इदारों का आवाज देता रह गया, उसको क्यों नहीं हेल्प की गई, उसकी क्यों नहीं मदद की गई? प्रेस कॉन्फ्रेंस में माजिद इत्तेहाद तहरीक के सलीम हैदर, कराची बार के साबिक सेक्रेटरी नईम कुरैशी, शायर अदीब सिविल सोसाइटी, प्रेस क्लब के मेम्बरान और मजहबी स्कॉलर्स ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। ये इतना गंभीर हो गया है कि इसको हल करने के लिए रियासत को मुदाखलत करनी होगी। इसके लिए हम लोग यहाँ पे खड़े हुए और ये आवाज़ बुलंद करने के लिए कि कराची के लोगों को भी हम कह रहे हैं कि आप लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमारे साथ खड़े हों, क्योंकि ये कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं है, क्योंकि मारने वाले ने किसी को ये देख के नहीं मारा कि ये पीपल्स पार्टी का था, कि MQM का था, तहरीक इंसाफ का था, जमात इस्लामी का था या किसी भी पार्टी का था, उन्होंने ये देख के नहीं मारा, उसने सिर्फ डायरेक्ट मारा है। तो उसके लिए आपको आगे खड़ा होना पड़ेगा, कराची के अवाम को आगे आना पड़ेगा। हम ज़्यादा उम्मीद पुलिस से करते हैं ना, पुलिस 100% पोलिटिसाइज हो चुकी है। मैं ये दरख्वास्त करता हूँ IG सिंह साहब से कि खुदा के लिए ये जो आपके लिबास में जो काली भेड़े हैं इनको बाहर निकालें और कराची के अंदर ऐसे काबिल तरीन ऑफिसर और ऐसे जवान सिंध पुलिस के मौजूद हैं, उनको लाएं, इन कातिलों को गिरफ्तार करके, इन दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके इन्हें कैफिर किरदार तक पहुँचाएं। साल तकरीबन 65 शहरियों को डाकुओं ने मौत के घाट उतार दिया गया है। शहर के हालात अब से अबतर होते जा रहे हैं। कैमरामैन सरफराज अली के साथ यावर शाह, कराची। वॉइस ऑफ कराची न्यूज HD।